देखो अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 के जो तमाम पद रिक्त हैं उन पर सूची जारी करने की मांग करें। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, किसी सूची में नाम नहीं है, तो अभ्यर्थी कह रहे हैं सभी का नंबर आना चाहिए। कई जिलों में विशेष शिक्षकों के अभ्यर्थियों के कटों में नंबर नहीं, नंबर ज़्यादा है, और जो लगातार युवा बेरोजगार ये मांग कर रहे थे वन रक्षक के भी जो कुछ पद रिक्त है। रुक तो जाना भाई, देखो आज बड़ी संख्या में राजस्थान के युवा बेरोजगार कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करके मांग कर रहे हैं कि हमारी तमाम मांगों को पूरा किया जाए। अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 में जितने रिक्त पद हैं उन पर सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके कट ऑफ से 20-20 नंबर ज़्यादा है, उन कट ऑफ में नंबर नहीं है, तो ये मांग कर रहे हैं कि हमारी सूची जारी की जाए। वहीं वन रक्षक के भी अभ्यर्थी आए कि उनकी जो सीटें वैकेंट रखी गई है जो विज्ञप्ति के अनुसार उनके भर्ती को पूरा किया जाए, और लगातार ये मांग है। आचार संहिता करीब होने वाली है, न तो पशु परिचय भर्ती कनिष्ठ उद्देश्य को नई भर्तियों की विज्ञप्ति अभी जारी नहीं हो पा रही, या जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना परिणाम जारी हो पा रहा, तो नई भर्तियाँ भी निकाले, साथ साथ में जो लंबित भर्तियाँ हैं इनको पूरा करें, युवाओं की तमाम समस्याओं का निस्तारण करें, उनकी मांग को लेकर प्रदर्शन। देखो अभी 1 लाख भर्तियों की घोषणा सरकार ने की थी, यहाँ अभ्यर्थन असिस्टेंट है, पशु परिचर भर्ती है, पंचायत राज जैन अधिकारी से अभियंता, कई भर्तियों की अभ्यर्थियाँ पड़ी है फिर भी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही है, और पर्यटन विभाग की भी भर्ती की अभ्यर्थियाँ यहाँ आई है, तो नई भर्ती विज्ञप्तियाँ तो जारी करें, लेकिन साथ में ही जो लंबित जो भर्तियाँ हैं, जो एक सर्विसमैन का भी मामला है वन रक्षक भर्ती में, और जो अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 में जो पद रिक्त बहुत है, लेकिन उनकी सूची तत्काल जारी करें, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के नंबर बहुत ज़्यादा, काफ़ी बहनें भी आई हैं जिनके हालात गंभीर है, वो चक्कर काट रहे, तो इनको समस्या का हल हो और तत्काल योग्य अभ्यर्थियों को उनकी सूची जारी करके और उनके जिला आवंटन करके नियुक्ति दी जाए। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव है, चुनाव युवाओं की बड़ी भूमिका, और की जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी, वोट की और चोट करेंगे।